Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu first year. This is your English teacher, Aisha. Hope you all are doing fine. Students, as you already know that you have to attempt a question based on pair of words in your board exams. This question will carry five marks. You will be given eight pairs and you will have to attempt five out of them. You will have to understand the meaning of each word and write the sentence that verifies its meaning. You have already done pair of words in your 10th class, but the difference here is in 10th class, you were given a list of pairs in your textbook board and you just had to prepare that list. But in first year, you don't have any list of pair of words given by the board.

फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रेपरेशन ताकि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेयर ऑफ वर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस दो दैट अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम द लेटर ए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वट आर पेयर ऑफ वर्ड्स एज द नेम शोज

तो उनकी प्रोनाउंसिएशन उनके बोलने का अंदाज उनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी सम हाउ एक से दूसरे एक के स्पेलिंग दूसरे से फर्क होते हैं एंड देर मेन पर्पज इज टू इन्हैंस योर वकेबलरी आई हैव गिवन यू अ फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन फर्स्ट एग्जाम्पल इज एडवाइस एडवाइस वी हैव टू वर्ड्स वन हैज द एस In it and the other has c in it. Both are pronounced in the same way. Advice and advice. So, ab jo yeh s wala advice hai, it means it is a verb. Nasihat karna. C wala advice is also nasihat, but it's a noun. So, you have to use this advice in the place of noun, and you have to use the advice with s in the place of verb in the sentence. फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस वेन यू यूज दिस एडवाइस सी वाला एडवाइस जो कि नाउन है तो उसके साथ हम पीस ऑफ एडवाइस यूज करते हैं ही एडवाइस्ड मी टू स्टे एट होम तो अब जब मैंने एडवाइस्ड लिख दिया इट मीन्स दैट इट इज यूज एज अ वर्ब तो दोनों के मीनिंग्स भी जाहिर हो गए और दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्टर एंड ऑल्टर ई के साथ ऑल्टर एंड ए के साथ ऑल्टर ई e के साथ ऑल्टर मीन्स चेंज एंड ए के साथ ऑल्टर का मतलब होता है कुर्बान का ई e के साथ ऑल्टर का मतलब है चेंज करना तब्दील करना जैसे हम कहते हैं आई नीड टू गेट माई ड्रेस ऑल्टर तो ये हमने ई e वाला ऑल्टर यूज किया और ये वर्ब है और ए वाला जो ऑल्टर है इट्स अ नाउन एंड इट मीनस कुर्बान का जहां पर जानवरों को कुर्बान किया जाता है ये आपने मेट्रिक में भी दोनों पेयर्स पढ़े हुए हैं तो इसकी हम सेंटेंस बनाते हैं दे ब्रॉट द एनिमल टू द ऑल्टर सो द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट द मीनिंग इज डिफरेंट बट दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंसड इन द सेम वे okay students now we have the list of the pair of words beginning from the letter a these are all the those pair of words that frequently came in your board exams in the past 5 years so these are the most important pairs the first pair is abject and object abject is starting with a and object is starting with o both the words have uh, otherwise similar spellings द फर्स्ट वर्ड ऐबेक्ट मीन्स हकीर शदीद और घटिया तो इसको तीनों तरह के मायनों में इस्तेमाल किया जा सकता है हो प्लस अनफॉर्चुनेट एक्सट्रीम एडवर्स के मायनों में इसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर उन्होंने इसको शदीद के मायनों में इस्तेमाल किया हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ फेसिंग एब्जेक्ट पावर्टी दीज डेज पावर्टी मीन्स गुर्बत तो मेरा जो आ, बेहतरीन दोस्त है वो आजकल शदीद गुर्बत का सामना कर रहा है नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वर्ड आपने बहुत दफा सुना होगा ये उसी की शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट मीनस मकसद इरादा ऑब्जेक्ट आप दूसरे मायनों में किसी चीज के मायनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे इन्होंने मकसद और इरादा के मायनों में इस्तेमाल किया है। एक वर्ड के दो तीन मीनिंग हो तो उनको दो तीन तरीके से जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है आप सेंटेंसेस कुछ और भी बना सकते हैं जो आपको आसान और इजी लगते हैं सो द सेंटेंस हेयर फॉर ऑब्जेक्ट इज माय ऑब्जेक्ट इज टू बिकम अ डॉक्टर विच मींस दैट के मेरा मकसद है कि मैं डॉक्टर बनूं। नेक्स्ट पेयर इज ऑल्टर एंड ऑल्टर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द एग्जाम्पल बट आई विल रिपीट इट फॉर योर सेक ए वाला ऑल्टर मीन कुर्बान गा इट्स जानवरों को जिबा किया जाता है उसको हम ऑल्टर कहते हैं ही टुक अ शीप टू दल्टर वो शीप को भेड़ को कुर्बान गा तक ले गया ऑल्टर ई वाला ऑल्टर मीन्स तब्दील करना अ डिवोटेड पर्सन नेवर ऑल्टर्स हिज प्लान इट मीन्स के एक बा, बा मकसद या पुराज़म इंसान जो होता है वो अपने इरादों को कभी भी तब्दील नहीं करता तो अक्सर हम लड़कियां यूज करती हैं कि हमें अपने कपड़ों की ऑल्टरेशन करानी है विच मीन्स वी हैव टू गेट इट फिटेड और गेट इट लूज तो उसी मायनों में ये इस्तेमाल होता है तो अगर आप इसको किसी वर्ड को किसी एक चीज से एसोसिएट करके याद करेंगे तो ईजीली आपको प्रिपेयर हो जाएंगे सो द नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट अब दोनों वर्ड्स सेम ही तरीके से प्रोनाउंस हो रहे हैं लेकिन एक आर्टिस्ट के एंड पे ई आ रहा है जबकि दूसरे आर्टिस्ट के एंड पे ई नहीं आ रहा तो फर्स्ट आर्टिस्ट विदाउट ई मीन्स फनकार और ये वही वाला आर्टिस्ट है जो आमतौर पर हम बहुत ज्यादा फेमस तरीकों से इसको यूज करते हैं कि ये कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है पेंटर हो सकता है ये सिंगर हो सकता है ये डांसर हो सकता है या ये आ, कोई भी किस्म का आर्ट कैलीग्राफी करता हुआ कुछ भी हो सकता है रंगीला वॉज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ आर कंट्री अब नेक्स्ट वर्ड ई के साथ देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्टिस्ट दूसरा वाला जो आर्टिस्ट है ये जनरली पब्लिक परफॉर्मर के लिए यूज होता है मोस्टली जो सिंगर या डांसर हो पब्लिकली uh, परफॉर्म करता हुआ उसके लिए हम ये ई वाला आर्टिस्ट यूज करते हैं जिसका मीनिंग उन्होंने आपको दिया हुआ पेशावर गवैया और इसका सेंटेंस है मेहदी हसन वॉज अ पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान सो वी ऑल नो रिंगीला एंड वी ऑल्सो ऑल नो मेहदी हसन सो द नेक्स्ट वर्ड इज एमल एंड एमिक एबल बहुत ही स्लाइड से डिफरेंस है वी हैव सी इन द सेकेंड वर्ड एंड वी डोंट हैव सी इन द फर्स्ट वर्ड एमिएबल मीन्स खुश मिजाज होना अच्छे मिजाज का मालिक होना हर एमियबल टू अदर्स उसकी जो खुश मिजाजी है वो दूसरों के सामने उसको करने के काबिल बना देती है नेक्स्ट इज एमिकेबल एमिकेबल फ्रेंडली बिहेवियर दोस्ताना शी हैजेबल रिलेशन विद हर फैमिली उसका अपने खानदान वालों के साथ दोस्ताना रवैया है वाला हम accept बोलते बोलते हैं हैं। और ये इसको accept बोलते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस और ये ऑलरेडी आप मेट्रिक में भी पढ़ चुके हैं बट आई रिपीट इट फॉर योर ए वाले एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल उसने मेरी तजवीज को कबूल कर लिया

अब जो पहला एक्सेस है इसका मतलब होता है दस्तरस कोई चीज आपकी पहुंच में होना कोई चीज आपकी एक्सेस में हो पहुंच में हो कोई चीज आप हासिल कर सकते हैं ही हैज नो एक्सेस सॉरी ही हैज नो एक्सेस टू द मिनिस्टर तो उसकी मिनिस्टर तक पहुंच नहीं है नेक्स्ट वर्ड इज ई वाला एक्सेस विच मीन्स जरूरत से ज्यादा होना Its sentence is excess of everything is bad. It is also a famous English proverb. Har cheez ki jo hai, wo buri hoti hai. So the next pair is advice and advice. Sivala advice is a noun means nasihat, and aswala advice means nasihat karna. It's a verb. सी वाले एडवाइस का सेंटेंस है माय फ्रेंड डिड नॉट एक्ट अपॉन माय एडवाइस मेरे दोस्त ने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया यहाँ पे हमने इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है दूसरा नसीहत करना माय फैमिली डॉक्टर एडवाइसड मी टू टेक रेस्ट मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उसने मुझे uh, आराम करने की नसीहत की नेक्स्ट अपेयर नहीं है बल्कि थ्री वर्ड्स है दैट आर प्रोनाउंसड इन द Uh, mostly the same manner first is adapt next is adopt and the last one is adapt तो so, adapt पहले वाले a वाले adapt का मतलब है नए हालात के मुताबिक बनाना जैसे आपकी एक रूटीन सेट चल रही थी और उसमें कोई नई चीज़ हो गई और उसके मुताबिक आपने ख़ुद को तब्दील कर लिया तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जैसे आजकल के करोना डेज में हमने ख़ुद को करोना के डिजीज़ करोना की एपिडेमिक के अकॉर्डिंग ख़ुद को अडेप्ट की कोशिश की है हम मास्क पहनते हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ आर अडेप्टेसन अकॉर्डिंग टू तो आर सिचुएशन इसका सेंटेंस है अ वाइज मैन हिमसेल्फ टू द इन टू द सरकम स्टांस कहते हैं हालात को तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक अक्लमंद इंसान जो है वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेता है अडोप्ट अडोप्ट मीन्स इख्तियार करना वी सेलिंग मैथड्स हमने उनके जो बेचने के तरीके थे उनको इख्तियार कर लिया और इसी का नेक्स्ट जो पेयर है वो है जी अडेप्ट माहिर होना ही इज इन प्लेइंग चेस वो चेस खेलने का माहिर है एक्सपर्ट अच्छा, है वो है सेम मैनर परहेज करना रुकना बाज रहना abstain means परहेज करना वी शुड एबस्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स हमें बुरी आदतों से परहेज करना चाहिए ंग refrain. गैम्बलिंग refrain gambling. Gambling कहते हैं जुआ खेलने का तो हमें जुआ खेलने से बाज रहना चाहिए नेक्स्ट बेयर इज एल्यूजन एंड एल्यूजन एल्यूजन इज बिगिनिंग विद आई एंड एल्यूजन इज बिगिनिंग विद ए एल्यूजन का मतलब होता है हवाला मोस्टली जब हम स्टोरीज या नॉवेल्स या पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें किसी और कहानी या किसी और स्टोरी की तरफ रेफर करने के लिए कोई एक दो वर्ड्स लिए लिखे गए हों तो हम उनको कहते हैं कि इसमें फ़ला चीज़ का हवाला दिया गया है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इलामा इकबाल पे ऐसे लिख रही हूँ और किसी और शायर ने जो इलामा इकबाल के बारे में कोई बात कही हुई है तो मैं वो उसमें तो उस शायर का रेफरेंस देती हूँ तो मैं कहूंगी कि जी मैंने उसमें उसका एल्यूजन आर्ड किया है दिस ऐसे फुल ऑफ एल्यूजन इस ऐसे में बहुत से हवाले हैं इस मज़मून में नेक्स्ट इज एल्यूजन आई के साथ इसका मतलब होता है शराब धोखा समिसम्स टू सीम्स एंड एल्यूजन कभी कभार हमारी जिंदगी जो है वो शराब लगती है जब जिंदगी हमें समझ नहीं आती तो हम इस तरह के बातें करते हैं नेक्स्ट पेयर इज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट एक्सीडेंट मीन्स हादसा दे मेट एंड एक्सीडेंट लास्ट नाइट कल रात उनको एक हादसा पेश आया इंसिडेंट इंसिडेंट मीन्स वाकया आई कैन नेवर फॉरगेट द इंसिडेंट दैट आई फेस्ड लास्ट ईयर पिछले साल जो वाक्य हुआ मैं उसको कभी नहीं भूल सकता पिछले साल जो मेरे साथ वाक्य हुआ मैं उसको कभी नहीं भूल सकता सो द डिफरेंस बिटवीन द टू यू कैन यूज़ इट इन द सेम सेंटेंस एज वेल इंसीडेंट एंड एक्सीडेंट लेकिन एक्सीडेंट हमेशा हादसा कोई बुरा हादसा ही होता है अच्छा हादसा नहीं होता नेगेटिव माइनों में यूज़ होता है और इंसीडेंट कैन भी अ गुड वन और अ बैड वन अफेक्शन नेक्स्ट पेयर इज़ एफेक्शन एंड एफेक्टेशन Affection आपको शायद याद हो कि जब हम लेटर लिखते हैं तो उसके एंड में जनरली हम लिख रहे होते हैं affectionately और sincerely तो ये वही अफेक्शन है जिसका मतलब होता है मोहब्बत शफकत शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर हजबेंड उसको अपने शोहर से बहुत मोहब्बत है और फिर एफेक्टेशन एफेक्टेशन का मतलब होता है बनावट दिखावा शो ऑफ करना हर एफेक्टेशन हर सॉरी हर अफेक्शन इज नॉट अफेक्टेशन इट मीन्स कि उसकी मोहब्बत जो है वो दिखावा नहीं है सो स्टूडेंट दिज वर ओनली ट्वेल्व पेयर्स डेट रिपीटिडली अपेयर्स इन डिफरेंट बोर्ड इफ यू प्रिपेयर दैम इनशालासो एक्सपेक्ट समीज कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो इनशाला टमोरो वी विल कम अप विद द pairs that begin with the letter b Allah Hafiz